नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस की 92 में। दोस्तों बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा। ठीक है, शिक्षकों को सेवा मुक्त किया जाएगा। बिहार में जैसे ही सरकार का गठन हुआ है, वैसे ही सरकार ने शिक्षकों पर कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। देखिए, इसमें वैसे शिक्षकों को सेवा मुक्त करने का निर्णय लिया जा रहा है जो अप्रशिक्षित हैं। इनका कुछ डेडलाइन दिया गया था। दोस्तों सबसे पहले ये जान लीजिए कि 2002 के बाद से, ठीक है, 2002 के बाद से बहुत सारे शिक्षकों को, यानी अप्रशिक्षित शिक्षकों की बहाली हुई थी। खास करके 2011 में जब TET आया था, TET टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट TET आया था, तो उसमें लगभग एक लाख से अधिक शिक्षक की नियुक्ति हुई है जो अप्रशिक्षित थे। उन्हें प्रशिक्षित होने का केंद्र सरकार के द्वारा NCTE के द्वारा गाइडलाइन तैयार किया गया था और वह जो है आपको 31 मार्च 2019 तक कहा गया था, 31 मार्च 2019 तक कहा गया था प्रशिक्षित होने के लिए। उसका सारा तीन चार मतलब फेजेज में उसका एग्ज़ाम हुआ है, सारे लोगों ने एग्ज़ाम दिया और जो लोग पास कर गए हैं उनकी तो खैर बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, तो वैसे शिक्षकों के बारे में जो है अभी जस्ट खबर आई है, बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों। देख लीजिए कि शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला बिहार झारखंड जो है यह न्यूज़ पर दिया जा रहा है। तो शिक्षा विभाग का सबसे बड़ा फैसला है ये अभी तक का। जैसे ही नया सरकार का गठन हुआ है, शिक्षा विभाग ने बहुत बड़ा फैसला लिया है जो 31 मार्च 2019 तक अप्रशिक्षित, यानी जो प्रशिक्षित शिक्षक, प्रशिक्षित नहीं होने वाले शिक्षकों को सेवामुक्त किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित हैं, जिन्होंने 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं हुए, प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं, उन सभी शिक्षकों को सेवामुक्त करने का फैसला लिया जा रहा है। देखिए दोस्तों, अब जो है इसमें क्या है आगे इसका अपडेट, कहा जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने अप्रशिक्षित शिक्षकों को हटाने का बड़ा फैसला लिया है। 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण पूरा नहीं करने वाले नियोजित शिक्षकों को सेवा समाप्त कर दी जाएगी, जिसके लिए नियोजन इकाई को तैयारी करने के लिए कहा गया है। तो नियोजन इकाई जो प्रखंड है, जिला है, ठीक है, यानी प्रखंड नियोजन इकाई है, जिला नियोजन इकाई है, पंचायत में भी नियोजन इकाई बनाया गया था, तो सबको जो है यह रोडमैप तैयार करने के लिए कहा गया है कि वैसे, यानी कि सूची तैयार करने के लिए कहा गया है कि जो शिक्षक अप्रशिक्षित हैं 31 मार्च 2019 तक जिन्होंने भी प्रशिक्षण जो प्राप्त किया है, और प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद जिन्होंने जो, यानी कि प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद एग्जामिनेशन को पास नहीं किए हैं, वैसे सभी शिक्षकों को जो है सो हटाने की कवायद शुरू करने वाली है। तो दोस्तों यह बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है शिक्षकों पर, और यह ऐसी कार्रवाई है जिससे बहुत सारे, समझ लीजिए कि जो लोगों पर जो है सो यह परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लगभग इस घेरे में लगभग 20,000 के आसपास शिक्षक हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। आगे भी आपको इसी तरह का जो भी शिक्षा से संबंधित अपडेट होगा वह मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, शेयर करना ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।